हेलो गाइस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है और वो ये है कि एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है। और इस नोटिस को देखते हुए मैं ये कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि सभी लोगों के चक्कर में सबको कराना पड़ता था और वो था एग्ज़ाम एनालिसिस। एग्ज़ाम एनालिसिस में क्या होता है कि जो बच्चा पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में या फिर पहले दूसरे तीसरे दिन पेपर दे के आता है, उसके लिए वो चीज़ डिफिकल्ट होती है क्योंकि उस नए टाइप का क्वेश्चन होता है। और आने वाले शिफ्ट में जो दे के आता है उसे क्वेश्चन आसान लगता है क्योंकि डेफिनेटली उसने वो क्वेश्चन देख लिया है। तो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए एसएससी ने नोटिस जारी कर दिया है कि अब इस तरीके की कोई भी चीज़, अगर कोई बच्चा किसी भी क्वेश्चन को बताते हुए, ले जाते हुए, ट्रांसमिट करते हुए, ओरली या वर्बली किसी भी तरीके फॉर्म में पाया जाता है तो उसे एग्ज़ाम से डिबार किया जाएगा। और अगर कोई बात बड़े लेवल तक जाती है तो उस पर पुलिस एक्शन या लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। तो इस तरीके की न्यूज़ निकल के आई है अभी, आज नोटिस मैंने अभी देखा है। तो हो सकता है कि कल से आपकी एग्जाम एनालिसिस ना हो और आप लोग अब जो कुछ हो चुका है उसी के हिसाब से पढ़िए। वैसे ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे सबको फेयर तरीके से एग्जाम देने का मौका मिलता है। थैंक यू ऑल।